गाइज मैं आज आई थी मेरठ, तो मेरा मन हुआ कि मैं आज अपने कॉलेज तरफ जाऊं, और आज मेरा बेटा साथ आया मेरा कि मैंने यहाँ से मास्टर की थी और आज वो मास्टर किया कर रहा है। तो देखो ना कितनी पुरानी बातें हैं, कभी मैंने मास्टर की, आज ये मास्टर कर रहा है। यहाँ से नहीं, वो तो नोएडा से कर रहा है, लेकिन मैं बच्चों को साथ लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, जय श्री राम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगे। और गाइस आज है हमारा व्रत, जो मंथली व्रत होता है गणेश चतुर्थी का, तो पूजा पाठ हमारी हो गई है और आज हम लोग जा रहे हैं मेरठ बारबी की बुक्स लेने के लिए, जो गाज़ियाबाद में अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो ये बारबी बुक्स मिलेगी मेरठ, तो हम स्पेशली बारबी बुक लेने जा रहे हैं। बारबी कितनी बुक्स रह गई बेटे आपकी? सात, सेवन। अच्छा, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं स्कूल से, कोई बुक्स नहीं मिली? नहीं। बारबी सब बच्चों ने कहाँ से ली बेटा? सब बच्चों ने तो सिर्फ वहीं से ली होगी ना, वो कैमल्स एक स्टोर है वहाँ से ली है। गाज़ियाबाद से? हाँ। भाई मेरा है आज व्रत, तो मुझे लग रही है प्यास, तो मन हो रहा है कि थोड़ा सा नारियल पानी पी लूँ। गाइस हम लोग आ गए हैं मेरठ कैंट में, सुबह हम लोग आए थे कैंट की तरफ से, क्योंकि सिटी में काफ़ी जाम रहता है और रैपिड रेल बन रही है उधर, तो इसलिए हम इधर से निकल गए कि उधर खाली रहता है। बारबी मेरठ के छोले भटूरे बहुत फेमस है, खाने हैं क्या? हाँ। और अभी तो खा गई घर से बच्चे रोटी। मैंने बस दो ये चने की दाल नहीं खा के आई? नहीं। खाना है छोले भटूरे? हाँ। और कुछ जैसे बता दो, कुछ और कुछ खाना हो, कुछ और रिक्वायरमेंट हो? छोले भटूरे से बेहतर तो छोले कुलचे। छोले कुलचे लेकिन मुझे खाने क्यों? मैं चटोरी इसलिए हूँ क्योंकि मैं पैदा ही चटोरी। तो गाइस हम लेने के लिए आए हैं यहाँ पे बुक्स, क्या बुक्स है अवेलेबल है कि नहीं है? अगर वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ से ही जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पे भी नहीं है, तो फायदा क्या है? ये तो दिक्कत होगी भैया। ये भैया इतनी दूर से हम लोग आए तो बुक्स तो हमें मिल जानी चाहिए ना। गाइस हम लोग गाज़ियाबाद से मेरठ आए थे बुक्स लेने के लिए, और मार्केट में काफ़ी धक्के खाए जहाँ पे बुक्स मिलती है, और जहाँ का एड्रेस हमें दिया था वहाँ भी गए, लेकिन हमें कहीं भी बुक्स नहीं मिली। तो हम लोगों को बताया गया वहाँ पे कि NCERT से जो बुक्स प्रिंट होकर नहीं आई हैं, इसलिए मार्केट में शॉर्ट है। अब उन्होंने कहा है कि दो चार दिन बाद फिर पता कर लेना आप, लेकिन वही बुक्स लेने के लिए दो चार दिन बाद फिर आओ। और किसकी बुक्स लेने के लिए? बारबी की सिक्स क्लास की बुक लेने के लिए। आपको पता है आज पूरी दोपहर धक्के खाते रहे मार्केट में, कभी सुभाष बाज़ार में, कभी कहीं कहीं। गाइस मैं आज आई थी मेरठ, तो मेरा मन हुआ कि मैं आज अपने कॉलेज तरफ जाऊँ, तो मैं अपने कॉलेज में आई हुई हूँ और मैं बच्चों को भी दिखा रही थी कि मेरा कॉलेज ये है। गाइस ये है मेरा मेन गेट मेरे कॉलेज का, और मैं इसमें अंदर एंट्री करूंगी अब। तो वैसे तो कॉलेज आज बंद है, तो मैंने चौकीदार से बोला कि भाई थोड़ी देर के लिए गेट खोल दो, मुझे आज अपना कॉलेज देखना है और बच्चों को भी दिखाना है। गाइस ये मेरा कॉलेज है और मैंने अंदर एंट्री ली है, इनसे कहा कि भाई मेरा कॉलेज है ये और मुझे अपने कॉलेज में अंदर जाना है। तो देखिए कम से कम भी 25-26 साल हो गए हैं मुझे कॉलेज छोड़े हुए अपना, तो मैं आज घर से निकली थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे आज अपने कॉलेज में ज़रूर जाना है, तो मैं अपने कॉलेज में अंदर जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर है मेरा कॉलेज, मेरी बहुत पुरानी यादें हैं, मैं यहाँ पे आती थी कभी, कितनी छोटी थी 18-19 साल की, और आज मेरा बेटा साथ आया मेरा कि मैंने यहाँ से मास्टर की थी और आज वो मास्टर किया कर रहा है। तो देखो ना कितनी पुरानी बातें हैं, कभी मैंने मास्टर की, आज ये मास्टर कर रहा है, यहाँ से नहीं, वो तो नोएडा से कर रहा है, लेकिन मैं बच्चों को साथ लेके आई हूँ। मैं चलो तुम अपना कॉलेज दिखाती हूँ। सो गाइस जी मेरा कॉलेज, गाइस ये मेरा है मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल ऑफिस, तो मुझे आज देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं उन्हें कॉलेज में आई हूँ।
गाइस ये पार्क है छोटा सा, जब हम फ्री पीरियड में यहाँ पे बैठते थे कभी कभी तो बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पे। गाइस कॉलेज मेरा बहुत बड़ा कॉलेज है और अब तो मैं ये भी भूल गई हूँ कि मेरी क्लास कहाँ थी या किस तरह, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है, इसमें कई गेट भी हैं तो मुझे तो ये नहीं पता कि मेन गेट के अलावा और कौन कौन से गेट है इसमें, कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। अब भाई 25-26 साल कुछ होते हैं, इतने दिन के बाद कॉलेज आके मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी सी। मुझे लग रहा है कि आपको मुझे याद भी नहीं कि कहाँ क्या था क्या नहीं था। गाइस मैं निकलूँगी अब कॉलेज से बाहर तो काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को मिल भी गई हैं और कुछ चीज़ें मैं जो देखना चाह रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइम स्टाफ वगैरह कुछ कोई होता ही नहीं है, प्योन है लेकिन वो कह रहे कि हमें इतना आइडिया नहीं है। तो मैं अपने कॉलेज के अंदर घूम रही हूँ, बच्चों को भी दिखा रही हूँ मैं कि मेरा ये कॉलेज है, वो सब देखो कि मेरी मदर की एजुकेशन कहाँ से थी। कल को ये ना कहे कि मेरी माँ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो मैंने अपना प्रूफ दे देना कि मेरा कॉलेज ये है। गाइस 98 में मैंने मास्टर्स की थी यहाँ से और आज 2024 में आज कॉलेज में आई हूँ। गाइस जा रही हूँ गाड़ी की तरफ क्योंकि दोनों बच्चे भी साथ हैं, 12वीं का तो ट्यूशन भी छूट गया आज मेरी वजह से, क्योंकि कॉलेज में घूमते घूमते कम से कम घंटा हमें हो गया है। तो मेरा मन था कि बच्चों को दिखा के लाऊं अपना कॉलेज, कि बच्चों कॉलेज देखो भाई मेरा। फाइनल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, जय श्री राम।